सोलन का जवाहर पार्क जो पहले अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, यहाँ स्थापित टॉय ट्रेन पहले यहाँ की शान होती थी। बच्चे यहाँ दूर दूर से खेलने आते थे, लेकिन आज यहाँ स्थापित झूले हों या बैठने का स्थान सभी टूटे पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा मायूसी हाथ लगती है। ज्यादातर वो लोग पार्क की हालत को देखकर दुखी होते हैं जिनका बचपन इस पार्क में गुजरा है, क्योंकि उस समय जो सुख सुविधाएं और रखरखाव इस पार्क में था वह अब नजर नहीं आता है। लोगों के लिए बैठने का उचित स्थान नहीं है। पार्क अय्याशी का अड्डा बन चुका है, जिस पर कई बार जिला प्रशासन को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। रोष प्रकट करते हुए सोलन के स्थानीय निवासी अंकुश सूद ने कहा कि वे करीबन 15 वर्ष बाद इस पार्क में आए हैं, लेकिन यहां आकर उनका मन बेहद दुखी हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जो फव्वारे पार्क में चलते थे वे गायब हैं, अधिकांश झूले टूटे पड़े हैं। पहले पार्क में मिनी जू देखने को मिलता था, वह भी अब अस्तित्व में नहीं है, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्क में चारों तरफ बड़ी बड़ी घास दिखाई दे रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्क का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने नगर परिषद से मांग की है कि पार्क का पहले की तरह रखरखाव किया जाना चाहिए। मेरा नाम अंकुश सूद है, मैं वार्ड मेंबर 6 इसी सोलन से हूँ। तो सर, मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ 15 साल बाद शायद इस पार्क में आया हूँ, तो कंडीशंस मेरे को पहले के मुकाबले जीरो जिसको वो स्नेह लग रही है, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पर जर्जर हालत में है, जो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अभी अगर आप यहाँ इस तरफ देखेंगे तो पहले फाउंटेन होता था हमारे बचपन के टाइम में, जब हम छोटे होते थे, तो आज यहाँ फाउंटेन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पीछे जानवरों के लिए केजेस बनाए गए थे जो अब जर्जर हालत में है, ना कोई जानवर है वहाँ। तो ओवरऑल कंडीशन अभी कुछ लोगों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ माली मूली नहीं है, तो घास घूस ज़्यादा हो गई है, पर ओवरऑल कंडीशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा हार्ट ऑफ द सिटी का ये मेन ज्वार पार्क है, तो इसमें कुछ अच्छा होना चाहिए। यहाँ वैसे ट्री प्लांटेशन का काम हो रहा है, तो उससे उम्मीद है कि कुछ यहाँ लोग जागरूक होंगे और पार्क की स्थिति थोड़ी सुधरेगी, ताकि बच्चे यहाँ बिना डर बिना खौफ के यहाँ आ सके और खेल सके।